विदिशा के सिरोंज में दोपहर 3 बजे के बाद जिले से आए खाद्य विभाग की टीम और सिरोंज नगर पालिका दल ने मिठाई दुकानों, दूध की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की, जहां नगर पालिका अधिकारी राम प्रकाश ने दुकान संचालकों को साफ सफाई रखने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ वितरित करने के दिशा निर्देश दिए। खाद्य विभाग अधिकारी जगदीश विश्वकर्मा ने बताया कि कलेक्टर के आदेश अनुसार हमने कार्यवाही की है। नाश्ता दुकानों पर साफ सफाई नहीं रखी जा रही, पानी की टंकियों में गंदगी थी। इन सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए, मावे के सैंपल लिए गए, किराना की दुकान पर रेट चेक की गई। वहीं नगर खाद्य विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही मिठाई विक्रेताओं ने अपने प्रतिष्ठानों में ताले टाल दिए। प्रशासन और स्थानीय प्रशासन साथ में दूषित फलों पे जो नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अभी ये दुकानों पे आपने जो यहाँ देखा, एक जगह दूध भी महंगा दे रहे थे अभी आपने यहाँ पर, और चीज़ें भी खुली में भी रखी थी, तो इनके खिलाफ क्या आपने मतलब समझाई दी है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई? सख्त हिदायत दी गई है कि आगे से ये ढक कर रखेंगे और खुले में कोई सामग्री ना बेचे और अन्यथा इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अभी कितने लोगों के चालान की कार्रवाई होगी? आज लगभग 10-12 लोगों के निरीक्षण किए गए और उनको 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किए जाए। क्या कार्रवाई रहेगी आपने यहाँ पर? आज मुख्य रूप से होटल्स में हमने पानी की सप्लाई और जिनमें कि पानी की टंकियों की सफाई नियमित